हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और अभी सुबह करीब 9 बज रहे हैं और आप मौसम देख सकते हैं क्या बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। सुबह से लगी है बारिश, सुबह से अभी तक लगातार बारिश हो रही थी, अभी जस्ट बारिश रुकी है। और आज सुबह से लगातार बारिश लगी थी और आज मैं कॉलेज भी नहीं गया क्योंकि सुबह से बारिश लगी थी तो जाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, तो मैं नहीं गया कॉलेज। तो आज मैं घर पे हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए। कितने दिनों से यहाँ पे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया तो सोचा आज यहाँ पे ब्लॉग बना लेता हूँ, आज घर पे हूँ। तो आप पीछे मौसम देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया वाला मौसम हो रखा है। आज देख सकते हैं क्या पहाड़ों में जो धुंध लगी है, क्या बढ़िया दिखाई दे रही है। तो इसी धुंध के साथ आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम है जय सिंह, मैं उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के मेरो गाँव से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं यहाँ पे ITI कर रहा हूँ और इसके साथ ही मैं पार्ट टाइम में मतलब ब्लॉग भी बनाते रहता हूँ, आप सभी के लिए यहाँ पे ब्लॉग लाते रहता हूँ। पर कितने दिनों से मैंने यहाँ पे ब्लॉग नहीं बनाया और आज छुट्टी थी तो आज मैं आपके लिए एक ब्लॉग बना रहा हूँ। लगभग एक साल हो गया मैंने अभी तक मतलब एक भी ब्लॉग यहाँ पे पोस्ट नहीं किया, मतलब एक दो महीने पहले किया था, उसके बाद मैंने अभी तक एक भी ब्लॉग पोस्ट नहीं किया। मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ ब्लॉग क्योंकि आजकल मैं डेली यहाँ पे कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज में ब्लॉग नहीं बन पाता और शाम को मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं बन पाता तो मैं नहीं बनाता इसलिए। तो आज छुट्टी थी तो मैंने आज सोचा क्यों ना आपके लिए एक ब्लॉग बनाया जाए और आपको बताया जाए कि क्या कारण है हमारे यहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं बनाता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पे मौसम आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया वाला हो रखा है और आजकल ना पहाड़ों में जो साग सब्जियाँ हैं बहुत सारी हो रखी हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरी भरी यहाँ पे हरियाली दिखाई दे रही है और जो साग सब्जी लगी हुई हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पे भी मतलब काफ़ी सारे लगले लग रखे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे लग रखे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश का सीज़न ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे अब जाकर यहाँ पे लग रहे हैं जो भी बताणू न समले के जानू न वीयू अपाणू बिराणू च न बाटू बताणू न समले के जानू न वीयू अपाणू बिराणू च यहाँ पर हमारे पास है एक मुर्गा जो कि पकड़ने में बिल्कुल नहीं आता, भागता रहता है मतलब पकड़ने में नहीं आता। ले ए शेरू, तो यहाँ पे आ चुका है शेरू। शेरू जाने से तू है बार खमा जाने से तू चल कर जाने से साले चल कर घर जा घर जा चल घर जा चल चल घर जा चल 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 गाड़ जा। ये देखो ना कुत्ते से यहाँ पे डर रहे हैं हमारी मुर्गियाँ। यहाँ पे कुत्ता आ चुका है, ये शेरू है हमारे गांव में और यहाँ पे डर रहे हैं मुर्गियाँ। चल चल घर निकल चल 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 शेरू जा जा हे हे गिर गया ए आराम से ए चल। तो फाइनली यहाँ पे जा चुका है। तो हमारे पास ना एक मुर्गा ये छोटा सा है और एक मुर्गी है जो कि अंडा देती है वाली, ये देखो ये दोनों यहाँ पे कुत्ते से अभी डर रहे थे, जो शेरू आया था उससे डर रहे थे। और मम्मी की तैयारी हो रही है यहाँ पे खाना बनाने की, तो मम्मी क्या कर रहे हो आज, खाने में क्या बन रहा है? अभी कुछ नहीं बन रहा है, अभी पानी रखा हुआ है, अभी मेरे लिए नहाने के लिए यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ है चूल्हे पे, तो थोड़ी देर बाद मैं नहाऊंगा, उसके बाद मम्मी यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनाएगी। और हमारे पहाड़ों में ऐसे ही चूल्हे जगाए जाते हैं, आप हर किसी के घर पे देख सकते हैं ऐसे चूल्हे बने होंगे, उसी में लकड़ी से यहाँ पे खाना बनाया जाता है। कुछ भी अगर पानी गर्म वगैरह करना हो या फिर खाना बनाना हो तो हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं, मतलब गैस जो हमारे पास गैस भी है, मतलब गैस भी है, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे गैस का चूल्हा भी है बट इसमें हम कम बनाते हैं,
कि हम बाहर पे बनाते ज़्यादा। और चूल्हे और गैस के खाने में बहुत अंतर आता है, क्योंकि गैस में तो अजीब ही खाना बनता है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। तो चूल्हे में अच्छा खाना बनता है, क्योंकि हम पहले से चूल्हे में खाते हैं, तो अभी भी हमको चूल्हे में ही अच्छा लगता है खाना। और ना हमारे पहाड़ों में लगातार 5-6 दिन से हमें बारिश लगातार शाम को लगी रहती है, मतलब कल परसों तो शाम को लगी रहती थी, और आज और कल, हाँ कल और आज यहाँ पे सुबह से शाम तक बारिश ही बारिश थी। कल भी यहाँ पे पूरे दिन बारिश ही थी, पर कल तो मैं गया था कॉलेज और शाम को बारिश नहीं थी, तो मैं जब बारिश नहीं थी तब आया मैं घर, और आज भी सुबह से हमें बारिश लगी हुई है। अब जाकर बारिश बंद हुई है, अभी लगभग 10 बज रहे हैं और अब जाकर बारिश थोड़ी सी बंद हुई है। और यहाँ पे बरसात का सीजन जैसे जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तब यहाँ पे बारिश, यहाँ पे डेली यहाँ पे बारिश लग रही है। मतलब जब बरसात की स्टार्टिंग हुई थी तभी बारिश लगी थी, उसके बाद तो पड़ रहे यहाँ पे धूप ही पड़ रही थी, और अब जब बरसात का मौसम यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है, तो यहाँ पे डेली यहाँ पे बारिश लगती जा रही है, और अब बरसात के बाद ठंडियों का मौसम लगेगा। और आप लोगों को अभी यहाँ पे चारों तरफ अच्छा मौसम दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया सा, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा होगा। कैमरे में आई थिंक थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, पर अभी तो यहाँ पे बढ़िया मौसम हो रखा है, क्योंकि अभी अभी जस्ट बारिश रुकी है, तो बारिश के बाद तो मौसम एकदम बढ़िया वाला हो जाता है पहाड़ों में। आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख पा रहे होंगे, कैमरे में इतना अच्छा शूट नहीं हो पाता जैसे कि हम रियल लाइफ में देख रहे हैं। आज के बाद मैं यहाँ पे लगभग 2-3 दिन बाद डेली यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करूँगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही पहाड़ों के डेली यहाँ पे वीडियोस लाते रहूँ, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी यहाँ पे फाइनली यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है मेरे लिए, और मैं फटाफट से कपड़े निकालता हूँ जो मैंने पहनने हैं, उसके बाद मैं फटाफट से नहाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं फिर आपको बाद में थोड़ी देर बाद। ना खेलू खिलाड़ू उडांडा कडालू नगदेरा मगेरू को जानू चा न बाबा की खिरस न दादी की भुक्की न माजी को हैसणू हैसाणू पर फाइनली मैं यहाँ पे नहा धो के यहाँ पे रेडी हो चुका हूँ, और इधर मम्मी ने भी चूल्हे में यहाँ पे चावल चढ़ा लिए हैं। हम लोग बोलते हैं भात, भात मतलब भात बोलते हैं हम चावल के लिए, तो भात चढ़ा लिया है, गढ़वाली में भात बोलते हैं, तो भात चढ़ा लिया है चूल्हे में, आप देख सकते हैं प्रेशर में, प्रेशर कुकर में यहाँ पे चूल्हे पे भात चढ़ाया गया है। तो अभी ना मम्मी जा चुकी है घास काटने के लिए, मम्मी जा चुकी है घास काटने के लिए, और अभी ज्योति बना रही है खाना, ज्योति यहाँ पे दाल बना रही है। तो ज्योति क्या बन रहा है, दाल? दाल बन रही है। कौन सी दाल? अरहर की। ओह माय गॉड, आज अरहर की दाल बनी बनाई जा रही है। और इधर क्या चूल्हे पे क्या चढ़ा रखा? चावल, अभी तो चावल चढ़ा रखे हैं, और उसके बाद उसमें दाल चढ़ाई जाएगी और तब बनेगा खाना। और अभी ना यहाँ पे भात बन चुका है, और ज्योति यहाँ पे दाल बना रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे चूल्हे पे दाल बनाया जा रहा है। और अभी मौसम मौसम यहाँ पे हल्की सी धूप यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख पा रहे होंगे तो हल्की हल्की धूप आ चुकी है, और आई थिंक यहाँ पे मौसम खुलने वाला है, धूप भी आने लगी है, बढ़िया है। तो अभी ना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आजकल हमारे पहाड़ों में काफ़ी साग सब्जियाँ लग रखी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा था, मैं अभी थोड़ा जस्ट नीचे आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे और भी लगे हैं काफ़ी सारे अंदर, और मम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे घास लेके, अभी आई जस्ट मम्मी भी, और यहाँ पे लगे हुए हैं कुछ चचिंडे लगे हुए हैं, और यहाँ पे करेला भी आई थिंक, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चचिंडा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। और यहाँ पे ना मम्मी, यहाँ पे एक हमारे लौकी का लग रखा है, उस पर एक लौकी लग रखी थी, उसको देख रही है कि नहीं है वहाँ पे, तो मिला कुछ होगा होगा, क्योंकि इतनी इतना बड़ी मतलब झाड़ हो गई है, इतनी बड़ी झाड़ी सी हो गई है यहाँ पे, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है अंदर की कौन सी सब्जी लगी हुई है, तो बारीकी से इसको ढूंढना पड़ता है, तब जाकर हमको सब्जी यहाँ पे मिलती है, देख सकते हैं आप मम्मी का स्ट्रगल, इतने स्ट्रगल के बाद यहाँ पे मम्मी सब्जी ढूंढ के लाएगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा लौकी का लगुन, जिस पर की लौकियाँ लगती हैं, बट अभी एक भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी लगे नहीं हैं। तो अभी फाइनली इतने खोजने के बाद एक छोटी सी यहाँ पे लौकी मिली, यहाँ पे मम्मी को दिख गई है, पर यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम तोड़ेंगे नहीं क्योंकि वो अभी छोटी सी है, मतलब जब वो बड़ी होगी तब उसकी सब्जी बनाएंगे उसको तोड़ के, तो अभी नहीं तोड़ेंगे उसको। और अभी दिन के 12 बज चुके हैं और मेरी तैयारी है यहाँ पे खाना खाने की। यहाँ पे मैं सबसे पहले खाना खाने लगा, ज्योति मेरे लिए खाना ला गई, ये देख सकते हैं आप, आज बना ही बनी है दाल। ओ भाई बहुत गर्म है, दाल और भात आप देख सकते हैं, ये देखो। और अभी दिन के करीब 2 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे खाना यहाँ पे खा लिया है। और अगर और आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग यहाँ पे अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही पहाड़ों की अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।